सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, लेकिन कभी कभी इस मजाक से महिलाओं और उनके परिजनों को काफी तकलीफ भी होती है। ऐसा ही एक मामला ग्राम बेरछा दातार में सामने आया है, जहां युवती के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं, जिसे लेकर युवती के भाई ने काला पीपल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, लेकिन कभी कभी इस मजाक से महिलाओं और उनके परिजनों को काफ़ी तकलीफ भी होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है काला पीपल तहसील के ग्राम बेरछा दातार से, जहां एक व्यक्ति ने एक लड़की का फोटो और नाम इस्तेमाल कर फेक आईडी बना ली। इसके बाद सभी से अश्लील बातें करने लगा, जिसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो युवती के भाई ने काला पीपल पुलिस के साथ साइबर सेल भोपाल व SDOP शुजालपुर को लिखित शिकायत दर्ज करा दी। युवक का कहना है पिछले 3 माह से वहां पुलिस के पास जाकर परेशान हो चुका है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अनजान व्यक्ति द्वारा बहन के नाम से फेक आईडी बनाकर सभी को मानसिक रूप से परेशान किया हुआ है और अभी भी पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित द्वारा 3 माह तक शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कार्रवाई न करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा करती है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा आगे कार्रवाई की जाती है या ऐसे समाज के दुश्मनों को महिलाओं को तकलीफ देने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति ने मेरी जो कजन सिस्टर हैं उनके नाम से फेसबुक आईडी बनाई और आपत्तिजनक पोस्ट किए, आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं। इसकी शिकायत मैंने कालापल थाने में 3 अगस्त को दी गई थी, जिसके तहत एक मुजरिम को पकड़ा गया था, बट उसको बाद में छोड़ दिया गया है। अभी तक उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हुई। साइबर सेल का नाम लेकर अभी तक मेरी शिकायत को पेंडिंग में रखा गया है। मैंने कार्रवाई का आश्वासन देकर वो शिकायत बंद कर दी गई है, इसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैं शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी बार आ चुके हैं थाने से? मैं थाने में करीब 15 से 25 बार आ चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं। आरोपी गांव का ही है, उसने गवई में आरोपी का नाम बताया। आरोपी अभी तक फरार है, उससे कोई सुनवाई नहीं हो रही, उससे कोई पकड़ा पकड़ी नहीं हो रही है। किस फेसबुक को फर्जी आईडी बनाई गई थी, मेरी सिस्टर का फोटो डाला गया उस पर, जिसके उस पर अश्लील कमेंट्स किए गए हैं। वो इतने अश्लील कमेंट्स किए गए हैं कि सिस्टर आप मेरे स्कूल जाने से भी डरती है, उसको मैं सोया में आगे रह के पढ़ा रहा हूँ, मैं लेने जाता हूँ, मैं छोड़ने जाता हूँ, यहाँ तक कि मेरे को 6 घंटे स्कूल में रुकना पड़ता है। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आरोपी को पकड़ा जाए और सख्त सजा दी जाए। अच्छा, जा चुका हूँ, साइबर सेल जा चुका हूँ, सुजालपुर जा चुका हूँ, कालापल थाने जा चुका हूँ, सब जगह घूमा। क्या आश्वासन मिलता है थानों से? कार्रवाई होगी कर छोड़ दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। कार्रवाई करें? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार बेस है, मैं ग्राम पंचायत बेचतार का रहने वाला हूँ।